ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। कितनी खूबसूरत लाइन है जिसने भी लिखी है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं यूट्यूब पर कुछ ऐसे ही पॉजिटिव सॉन्ग्स एंड कुछ पॉजिटिव इंस्पिरेशनल म्यूज़िक सुन रही थी। सो उस टाइम पे मुझे ये स्ट्राइक हुआ, मैंने ये सुना एंड आई वाज लाइक कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है जिसने भी लिखी है। एंड मैं सोचा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। ये आप जस्ट लिखेंगे मेरा खुदा मेरी मुश्किलों से बड़ा है, तो आपको इसके सॉन्ग्स इन्हें सब मिल जाएंगे, ज़रूर सुनेगा। दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इसकी लाइन मैं शेयर करना चाहती थी सबके साथ में। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, सुलझाने की भी कोशिश करते हैं, समझना भी चाहते हैं। एंड मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कभी भी कोई इंसान सोच समझ कर अपना या किसी दूसरे का बुरा करता है। लाइफ है, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी बुद्धि है, अपनी तरफ से सब अच्छा ही करना चाहते हैं। सो दिस इज़ लाइफ आई फील। सो ये लाइन मेरे दिल के काफ़ी मुझे करीब लगी, तो मैंने सोचा इस वीक का साप्ताहिक राशिफल इसके साथ शुरू करना चाहूँगी। सो चलिए इस वीक के साप्ताहिक राशिफल की बात कर लेते हैं, जो है फ्रॉम 26th of August टू 1st of September। जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर, स्वास्थ्य कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। हम हर वीक की तरह ये वीक भी बात करना चाहेंगे हर राशि के बारे में, क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से, जो है एरीज। एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 7 of Wands। जैसा कि आप देख सकते हैं एरीज, कहीं ना कहीं आप लाइफ में इस वीक किसी ना किसी चीज़ से लड़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी एक वे में चले, आपने एक ड्रीम सोची हुई थी, बट अब वो कहीं ना कहीं जैसा आपने सोचा था उसके बदले कोई और ही पाथ पे आपको आपकी ज़िंदगी लेकर जा रही है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से आप लड़ें, आगे बढ़ें। एरीज आपसे मैं कहूँगी ये वीक थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं चीज़ें या परिस्थितियाँ या लोग आपके अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ समझाना भी चाहेंगे किसी को, तो वो समझ नहीं पाएंगे। किसी चीज़ को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपने थोड़ा सा संयम बना के रखना है, कोशिश करनी है कि शांति बनी रहे। दिखाता ज़रूर है कि आप अपने सपनों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने सपने से दूर जा रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगी ये वीक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, तो ये वीक थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए। कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, धीरे धीरे अपनी लाइफ में बढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा है। अगर ये वीक आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कोई जॉब चेंज करने वाले हैं, कोई न्यू परिस्थितियों में एंटर होने वाले हैं, तो टेक इट स्लोली, प्रिकॉशन लीजिए, कॉशियस रहिए, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, धीमी गति में चलिए, अच्छा होगा। पैसे को लेकर चिंता है, लाइफ आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है, बस आप अकेले ही हैं जो ज़िंदगी से लड़े जा रहे हैं, और आप ही अकेले ही इस ज़िंदगी और इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। सो एरीज, ये एनर्जीज ये वीक की आपके लिए लगती हैं। आपका मन दिमाग कहीं ना कहीं आपके पैशन, आपके ड्रीम्स को, आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। दिखता है कि आप बेसब्री से किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप अपनी दृढ़ता बनाए हुए हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, लेकिन सिनारियोज एंड सिचुएशंस आपके साथ में नहीं है। सो एरीज, ये वीक सिर्फ एक ही सजेशन होगा, विल पावर बनाए रखें, उसके लिए मना नहीं है। मैं आपके आपके सपने तोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये कह रही हूँ ये वीक में थोड़ी सी शांति बनाकर रखें। ये वीक में एक्सट्रीम पॉजिटिव रहने की कोशिश ना करें। जैसी ज़िंदगी आपको चलाती जा रही है, जो रास्ते दिखाती जा रही है, बस भगवान का नाम लेके उसमें आगे बढ़ते जाएँ, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे एरीज। बिकॉज ये थोड़ा सा हम कार्ड कहते हैं, थोड़े समय के लिए स्ट्रगलिंग कार्ड है, बट आगे जाकर आपको सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये कार्ड ऐसा है, ये परिस्थिति में ना हम क्लाइंट्स को ये कह पाते हैं कि आप गिव अप कर दीजिए, ना हम ये कहते हैं कि आप आगे लड़ते रहिए। तो ये सिचुएशन ही ऐसी होती है जहाँ पे हम कहते हैं जो ज़िंदगी करा रही है करते जाइए, आप बस सीधे रास्ते चलते जाइए, और अपना विल पावर, अपने सपनों को तोड़िए मत। भले समय आपके साथ अभी ना चल रहा हो, लेकिन आगे जाकर समय आपकी मदद ज़रूर करेगा। अपनी मेहनत, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास पर विश्वास रखें। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो आपके ड्रीम ज़रूर फुलफिल होंगे, बट ये वीक एरीज थोड़ी सी शांति बनाए रखें एंड पॉजिटिव रहें। कोई सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आई होप एरीज ये कार्ड एंड ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल था। अगर येस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी एरीज की आपकी एनर्जीज कैसे टर्न अराउंड हो रही है ये वीक के लिए, बिकॉज अगस्त का एंड भी आ रहा है, बहुत सारी सोचें चलती हैं,
लोग मंथ एंड का इंतज़ार करते हैं कि चलो ये महीने में कुछ हो जाएगा, अब यहाँ नहीं हुआ तो अगले महीने में होगा, ये सिचुएशन होती है। सो एरीज कहीं ना कहीं मे बी उन्हीं चीज़ों को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, आपको लग रहा है मे बी अगले महीने भी आपको वो एनर्जी से और लड़ना है, कंटिन्यू करना है। वॉट्स एवर एरीज, ये वीक आप अपना ख्याल रखें, बस मैं यही कहूँगी, शांति बना कर रखें, थोड़ी सी सिचुएशन जैसी चल रही उन्हें चलने दें। यस, तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द टावर। टॉरस, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी, कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपके साथ या जो एक सिनारियो है आपके आसपास का, डेस्टिनी आपके साथ कुछ कर रही है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप ये सिचुएशन में जितना मर्जी ज़ोर ज़बरदस्ती कर लीजिए, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। इसे हम डेस्टिनी कार्ड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नीचे से बड़ी ज़ोरों शोरों से कुछ ऐसा कैलामिटी हम कहते हैं, कोई तूफान या कोई कोई ऐसी चीज़ है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, बिल्डिंग क्लैश हो रही है नीचे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। टारो कार्ड्स में जब द टावर का कार्ड आता है, ये हमेशा एक चीज़ इंडिकेट करता है कि अब आप हाथ उठा लीजिए, अब ये जो आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है, ये कोई ना कोई कुदरत का लेखा हो रहा है, कोई डेस्टिनी आपसे करवा रही है, कोई चीज़ आपसे करवा रही है, उसे करने दीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है ना, जब इंसान अपने हाथ उठा लेता है कि अब भैया मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ परिस्थितियाँ बदल ही नहीं रही हैं, मैं वो इंसान से कहता हूँ मुझसे बात कर ले, वो सुन ही नहीं रहे, मैं इस सिचुएशन में ये करना चाहता हूँ ये हो ही नहीं रहा है। तो होता है ना कि हमारा एक इंटेंशन होता है, एक हमारे कर्म होते हैं और साथ में एक समय एंड कुदरत भी सहारा देती है। तो ये टाइम पे टॉरस, दिस इज़ द वीक ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, मैं कहूँगी ये बताता है कि कहीं ना कहीं अगर सिचुएशंस ऐसी हैं अबाउट अ ब्रेकअप या डाइवोर्स की सिचुएशन है, तो येस, ये कोई डेस्टिनी की लिखी हुई एंडिंग्स की बात हो रही है। शायद आपका जॉब चेंज हो रहा है, शायद आप अपनी लाइफ में कोई चेंजेस देख रहे हैं, आपको अभी देख, बिकॉज ऑफ कोर्स जब द टावर का कार्ड आता है टॉरस, ऑफ कोर्स इट मेक्स यू फील कि कुछ बुरा है, दिस इज़, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं है, इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन टैरो कार्ड्स कहते हैं कि ये होना कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ एंड आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आई नो ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टॉरस, दिस इज़ नॉट गुड, बट टैरो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि ये वीक सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा संयम बना कर रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी इतने क्यों आपके एग्ज़ाम्स ले रही है, इतने क्यों आपके टेस्ट ले रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्यों लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, गिव इट सम टाइम, बिकॉज द टावर के कार्ड पर हम कहते हैं कि स्थिर हो जाएं, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी की मदद लें, बट ये वीक कोई बिग डिसीजन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपने पर्पजली नहीं लेनी है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं उसमें खुश नहीं है, कोई रिलेशनशिप में उसमें खुश नहीं है, लेकिन कोई भी गंभीर बड़े फैसले लेने के लिए अवॉइड कीजिए, शांति बनाकर रखें एंड हैव सम पीस। इस वीक में थोड़ी सी शांति बनाकर रखें, बिकॉज द टावर के कार्ड में जितना आप शांत है, जितना आप फ्लो में ज़िंदगी के चल रहे हैं उतना अच्छा है टॉरस। सो ये वीक आपके लिए गाइडेंस है टॉरस फॉर दिस वीक। सो ऑफकोर्स मुझे ये कार्ड के रहते हुए कहना पड़ रहा है कि टॉरस दिस वीक जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव पेशेंस। टावर के कार्ड के टाइम पीरियड में हमसे एक ही चीज़ कहते हैं, हैव पेशेंस। ज़िंदगी का जो लेखा लिखा है वो होने दीजिए, थोड़ी सी शांति बना कर रखें। ये वीक में ज़्यादा बिग डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा फ्लो में चले तो वो अच्छा है। चलते हमारे अगली कार्ड की तरफ जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड आया है द चैरियट। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं जेमिनीज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, मे बी कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, मे बी अब्रॉड जाने की तैयारी आपकी चल रही है, कुछ ना कुछ आपके ट्रैवल को लेकर प्लान्स चल रहे हैं, एंड साथ ही साथ आप कन्फ्यूज डिसीजन लेने में फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट, दिल की सुने या दिमाग के सुने समझ नहीं पा रहे हैं, एक तरफा को ये पाथ पे जाएं या ये पाथ पे जाएं समझ नहीं पा रहे, मन विचलित है, ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में। सो जेमिनी, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, ये वीक में अगर कोई ट्रैवल प्लान्स हैं गो अहेड, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ अ ट्रैवल कार्ड। कोई भी आपकी प्लानिंग चल रही है, कोई वेकेशन या जॉब को लेकर, जॉब चेंज है, एनीथिंग, गो अहेड, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जेमिनीज। बस ये जो मन और दिमाग का जो ये खेल चल रहा है ये वीक थोड़ा रहेगा, आपके ऊपर थोड़े से थॉट्स हैवी रहेंगे कि आप क्या डिसीजन मेकिंग करें, क्या करें। ये टाइम पे हम कहते हैं कि किसी और की सलाह लें, किसी और की गाइडेंस लें, फिर ही ज़िंदगी के फैसले लें, बिकॉज आप थोड़े से कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, मे बी इट्स रिलेशनशिप, नो मैटर व्हाट इट इज़, बट जेमिनीज आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं और कोई सोच में डूबे हुए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे ज़िंदगी के ये पाथ में जाएं, ये पाथ में जाएं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। ये टाइम पे डिसीजन लेने से पहले बस किसी और की सलाह ले लीजिएगा, वो आपकी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, सही डिसीजन लेने में मदद होगी। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड कार्ड,
पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंस, शुभ कार्ड माना जाता है कहीं ना कहीं। इस कार्ड के बाद आगे प्रोग्रेस इन ग्रोथ देखी जाती है, तो ये भी काम को लेकर शुभ है, इतनी चिंता की बात नहीं है। पर इसके अलावा मन और दिमाग में किसी चीज़ की चिंता लगाई है जेमिनीज ने फॉर दिस वीक, सो लेट इट हैपन, लेट इट गो। ये वीक पास पर होगा तो थोड़ा सा अपने माइंड को काम रखने के लिए थोड़ी सी वॉक पे जाइए, किसी दोस्तों से बात कीजिए, दिल हल्का कीजिए, सिंपल चीज़ों में वो अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिएगा जेमिनीज, आपके लिए सजेशन है। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसेरियंस ये वीक में थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर अपसेट हैं, किसी चीज़ से लड़ाई कर रहे हैं, कोई चीज़ को समझना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे। लेकिन कैंसेरियंस आपकी स्ट्रेंथ ये वीक में बखूबी आपकी हेल्प करेगी, आपकी इनर पावर, आपका अंतर मन, आपका इंट्यूशन, आपकी विल पावर बहुत आपकी मदद करेगी। ये वीक कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लेडी ये लायन के साथ बैठी हैं एंड अपनी पावर एंड अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। सो कैंसेरियंस मैं कहूँगी ऑफकोर्स ये वीक आपका ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ऐसे हो जाते हैं ना ज़िंदगी में गिव अप करने के तौर पे आ जाते कि अब बस हो गया, अब मैं ये चीज़ और नहीं झेल सकता या झेल सकती, अब मुझे कोई ना कोई इसका सोल्यूशन तो चाहिए, नहीं तो बस हो गया। ये आपकी एनर्जी ज़रूर है, लेकिन जो आपकी विल पावर है ये वीक में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। मैं कहूँगी जो भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, जॉब है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। बिकॉज अ कैंसेरियन जब स्ट्रेंथ के कार्ड आते हैं हम कहते हैं कीप इट गोइंग, आगे बढ़ते रहें। ऑफकोर्स स्ट्रगलिंग कार्ड है, मैं ये नहीं कह सकती कि कैंसेरियंस आप ये वीक में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, लाइफ आपकी बड़ी खुश मिजाज चल रही है। कैंसेरियंस कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं एंड बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं जिससे आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मे बी कैंसेरियंस। एंड ये आपसे कार्ड कह रहा है, द स्ट्रेंथ कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपनी वो इनर स्ट्रेंथ को बरकरार रखें। ये वीक में एक्चुअली आप एक्सपीरियंस भी करोगे, आपको लगेगा कि ये वीक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, या आपने कोई एक बोल्ड डिसीजन लिया है अपने लिए, या आपने कुछ एक चीज़ ऐसी कही है जिससे आपको लगा यस ये चीज़ मुझे पहले कह देनी चाहिए थी एंड या ये डिसीजन मुझे पहले ले लेना चाहिए था। सो दिस दैट्स द इनर स्ट्रेंथ जो आपकी बाहर निकल के आएगी। सो दिस इज़ गुड कार्ड कैंसेरियंस, योर प्रॉब्लम में से निकल के जब आप कोई बात कहते हैं, एक्सपीरियंस जब आता है तो उसकी पावर अलग ही होती है। सो कैंसेरियन स्ट्रगलिंग कार्ड ज़रूर है, लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ये वीक में, पॉजिटिविटी और आती हुई दिख रही है, तो कीप दैट कॉन्फिडेंस विद यू, दैट इनर पावर स्ट्रेंथ आप अपने साथ ज़रूर रखें कैंसेरियन फॉर दिस वीक। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी मिलती हुई दिख रही है विद दिस कार्ड। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन लियो राशि भी ये वीक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। आई फील जेमिनीज के लिए भी सेम कार्ड था, सेम एनर्जीज़ के कार्ड हैं। सो यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे जैसे लड़की की आंखें बंद हैं एंड उसके हाथ में दो तलवारें हैं, ये बताता है कि लियोज आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में, किसी एक ऐसे सिचुएशन या ऐसी लाइफ पाथ में हैं जहाँ पर आपको नहीं पता, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या लिखा है, आगे क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, बादल छाए हुए हैं आगे, पता ही नहीं आगे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ लियोज में कहना चाहूँगी, जब ये डिसीजन मेकिंग का पाथ आता है, अपनी चीज़ों को और सोचों को लिखिए, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, थोड़ी सी चीज़ें लिखें, वो आपको ज़्यादा क्लैरिटी एंड मदद देगी। इसके अलावा लियोज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, ये भी कोई भी बड़े डिसीजंस ना लें, हैव पेशेंस। कोई भी सोच विचार या कोई भी चीज़ बात किसी को कहने से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर कहें, शांति से फैसले लें, वो अच्छा है। बाकी इसके अलावा लियोज ये वीक थोड़ा सा आपके लिए मेंटली स्ट्रेसफुल है, कोई चीज़ों के बारे में आप बार 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 सोच रहे हैं, उसका निवारण चाहते हैं, उसके बारे में आप एक चाहते हैं कि बस इसका मेरे को एक रास्ता मिल जाए, मैं बस उस पर चल पड़ूँ और मेरा काम बन जाए, कुछ इस तरह की सोच आपके मन में है, डिज़ायर्स हैं, ये एनर्जीज आपके साथ चल रही हैं लियो। लेकिन जब जब ये कार्ड आता है हम कहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये बादल जो आपकी ज़िंदगी में छाए हैं, ये जो क्लैरिटी आपको नहीं आ रही है, थ्रू द टाइम आ जाएगी, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बिकॉज टू ऑफ स्पॉट्स हमेशा कहता है कि जल्दबाजी में फैसले मत लीजिएगा, बिकॉज आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा है क्या करना है, किसी और की सलाह लें, शांति रखें, पेशेंस रखें, थोड़े टाइम के बाद मे बी इन द नेक्स्ट वीक कोई अगर डिसीजंस में आप अटके हुए हैं अगले हफ्ते ले सकते हैं। अगर जल्दबाजी में कोई फैसले लेने भी हैं तो किसी और से डिस्कस करके लें, सोच समझ कर लें, वो ज़्यादा सजेस्टेड है, अच्छा है। बिकॉज आई थिंक जेमिनीज की भी सेम एनर्जी, तो सेम सजेशन मैंने दिया है फॉर दिस वीक,
बहुत ज़्यादा मेंटल थॉट प्रोसेस एक्टिव है, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा इतना क्यों बेचैनी भी छाई हुई है, इतना क्यों दिमाग चल रहा है। सो व्हाट्स एवर लियोज, बट ये वीक आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई फैसले ना लें। रोमांटिक रिलेशनशिप को अगर मैं देखूँ, सो एरीज़ का, सॉरी लियोज़, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कहीं ना कहीं आपका मन दुखी है रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड इन टर्म्स ऑफ करियर भी आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। सो हैव पेशेंस, अपना ख्याल रखें। ये वीक में थोड़ी सी आपके लिए मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, टेक इट स्लोली, लेट दिस वीक पास बाय, थ्रू द टाइम आपको क्लैरिटी एंड होप ज़रूर मिलेगी। सो ये थी रीडिंग फॉर द लियोज़। चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वर्गोस, दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। सो वर्गोस, ये वीक आपके लिए बिग न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, या मे बी कुछ न्यू आइडियाज, कोई पॉजिटिविटी, फ्रेंड सर्कल, कोई गेट टुगेदर, कोई पॉजिटिविटी, एनीथिंग, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे ये वीक में। न्यू अवसर, न्यू आइडियाज, कुछ भी आपके माइंड में आ सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन जरूर लीजिएगा, सोचिएगा जरूर, बट दिस इज़ अ गुड कार्ड। सो ऑल दी वर्गोज, आपकी ये जो पैशन, अगर हाँ, एक और चीज़ में कहना चाहूँगी, अगर ऐसा है कि आप कोई अपने पैशन से करना चाहते हैं, कोई भी आप क्रिएटिव लाइन में है, या कोई करियर, या कोई भी, वैसे तो हम इसे करियर कार्ड ही कहते हैं, कोई भी आप अपने करियर में बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड वीक। बहुत अच्छी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा पैशन है, एंड इट्स अ गुड कार्ड। आई एम वेरी हैप्पी वर्गोस फॉर यू, आपको बहुत ही शुभ कार्ड आया फॉर दिस वीक। सो कीप ऑल द पॉजिटिविटी, आपके लिए आगे जैसे हम कहते हैं ना कि रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, काम बनते हुए दिख रहे हैं, फॉर दिस वीक अच्छी पॉजिटिविटी हो, तो अपने काम रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी बनाए रखें। मैं इसे मोस्टली रोमांटिक कार्ड नहीं कहती हूँ, फॉर मी दिस इज़ मोर आपकी एनर्जी वर्गो, मुझे लग रहा है ये वीक में ज़्यादातर आपके काम को लेकर रहेगी, काम में ज़्यादा फोकस रहेगा, वर्क, जॉब, फाइनेंसेस, मनी, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो शुभ कार्ड है, आगे बढ़िए, कोई आइडियाज़ आ रहे हो उसके बारे में, आपको लग रहा हो कि अच्छा मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं वो बिज़नेस ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं पार्टनरशिप में चला जाऊँ, मैं ऐसे कर लूँ, सब कर सकते हैं, सबके लिए शुभ एंड अच्छा कार्ड है, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कार्ड है। तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ लीब्रा। लीब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया था फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लीब्रास, कहीं ना कहीं फॉर दिस वीक आप किसी चीज़ को लेकर सैड हैं, अपसेट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में कोई चीज़ हार गए हैं, मे बी शायद कोई पर्सन आपको शायद छोड़कर जा रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, या आपसे कम्युनिकेट नहीं हो रही है। लीब्रास, किसी ना किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया है, आपने कुछ लॉस किया है, मे बी इट कुड बी जॉब, इट कुड बी फाइनेंस, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फेलियर का एक्सपीरियंस होता है, एक लॉस का एक्सपीरियंस होता है, कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपको लग रहा है कि मे बी आपको किसी ने यूज़ किया है, आपको किसी ने नेगेटिव वे में, आपको किसी ने मे बी ये कहते हैं ना कि आपको किसी बात को लेकर फुल बनाया हो, एंड आपको चीट किया हो, आपने ये सोचा नहीं था, मे बी शायद वो एक छोटी सी बात हो, मे बी कोई बहुत ही माइनर सी बात हो, लेकिन आपके दिल को ज़्यादा छू गई है। सो लीब्रास, ये वीक में आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेकर परेशान हैं, अपसेट हैं, मैं कहूँगी लेट इट हैपन, लेट इट गो, बिकॉज ये वीक ऐसा है कि ये वीक में मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जल्द से जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, समय लगेगा। ये वीक आप अपना ख्याल रखें, उसे टाइम दें, उस सिचुएशन को हील होने के लिए अपने मन दिमाग को थोड़ा सा समय दीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, एंड ये जो भी आप इमोशन एक्सपीरियंस करें, ये थ्रू टाइम अपने आप ठीक हो जाएंगे। माइनर लेवल पे हैं, परमानेंट नहीं कहूँगी मैं इन्हें, लेकिन थ्रू टाइम जो भी आपके इमोशन हैं, कि जैसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, दिल हल्का कीजिए, थ्रू द टाइम वो हील हो जाएंगे। बट जो भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल अभी कर रहे हैं लीब्रास, ये थोड़ा सा आपके लिए मैं कहूँगी अपसेट, सैड एंड इमोशनल लॉस का वीक होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। सो लीब्रास, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी एनर्जी कैसी हैं, आप कैसा फील करें, बिकॉज मुझे कार्ड्स में देख के वही फीलिंग आ रही है जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं, कि somehow किसी तरीके का कोई आपने चीज़ ट्राई की हो वो कहाँ चली ना हो, कोई आपने एक्सप्लोर करना चाहते हो वो काम में ना आया हो, कोई ना कोई ऐसा इमोशनल लॉस या किसी चीज़ को लेकर आप अपसेट होते हुए दिख रहे हैं लीब्रास। सो गिव इट सम टाइम, ये जो भी पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमोशनल, जो जिस भी वे की, उसे बीतने दें, शांति बनाकर रखें, थ्रू द टाइम वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। धीरे धीरे सिर्फ समय ही ये चीज़ों को ज़्यादा हेल्प कर पाता है, इसके अलावा वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, मैं हमेशा कहती हूँ, सो टेक दी हेल्प ऑफ दैट लीब्रास, बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ लीब्रास फॉर दिस वीक। आप खुद का ख्याल रखें लीब्रास, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो करें, थोड़ा सा समय दें, चीज़ें थ्रू टाइम इम्प्रूव होंगी। चलते हैं हमारी अगली राशि की तरफ जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया तो फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियोज, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं स्कॉर्पियोज, एंड कोई चीज़ को आपने ना कोई बात को पकड़ के रखा हुआ है
कि बस ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, बस ऐसे हम पकड़ के रखते हैं ना, जैसे जैसे हम किसी पर्सन को पकड़ के रखते हैं कि आप हमसे दूर ना जाए, आप हमसे दूर ना जाएं, कहीं बस ऐसा ना हो जाए, हम कोई चीज़ या कोई इच्छा को बहुत पकड़ के रखते हैं कि बस भगवान जी ये हमें दे दो तो हम खुश हो जाएंगे, बस ये आप हमारी इच्छा पूरी कर दो तो हम खुश हो जाएंगे। सो स्कॉर्पियोज, आप कोई चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली मेन जैसे उसने पकड़ के रखा है वो तो पैसे हैं उसके लिए, मनी की चिंता है, फाइनेंसेस की चिंता है। सो स्कॉर्पियो, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि फर्स्ट थिंग, कहीं ना कहीं पैसे को लेकर चिंता है, मनी को लेकर चिंताएं हैं, पैसे के खर्चे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस आपके लाइफ में बढ़ रहे हैं, एंड मे बी आपको लग रहा है कि इसको आप सेविंग में कैसे करें, कैसे आप अपनी इनकम बढ़ाएं ताकि आपके खर्चे कम हो, एंड अगर खर्चे हो भी रहे हो तो आप उसे बैलेंस कर सके। तो कहीं ना कहीं पैसे की चिंता बहुत चल रही है स्कॉर्पियन फॉर दिस वीक, बट इसके अलावा कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप कोई चीज़ को पकड़ के रखे हुए हैं कि बस ये चीज़ हो जाए, या कोई अगर आपकी इच्छा है तो बस वो ये इच्छा इस वीक में पूरी हो जाए। तो ऐसे कोई आपके इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स एंड मन ऐसा कोई है, जैसे कि आप कहते हैं ना कोई सिचुएशन को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं स्कॉर्पियन, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपका माइंड एंड सोल कैसे डिज़ायर्स आपको दे रहा है, आर यू गोइंग विद सच थिंग्स, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट स्कॉर्पियंस, ऑल ओवर मैं कहूँगी थोड़ा सा लेट गो करें, भरोसा रखें, जिस भी चीज़ की आपकी इच्छा है अगर वो नियति में आपके लिए लिखी है तो कोई आपसे ले नहीं सकता, अगर लिखी नहीं है तो आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो मिल नहीं सकती। ये जो मैंने सेंटेंस कहा है मैं हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं करूँगी, कुछ चीज़ों के लिए। स्कॉर्पियंस, अगर आपको लग रहा है आपने कोई चीज़ों की आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कोई चीज़ का, थोड़ा सा लेट गो करें। तो जब भी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर कंट्रोल कर रहे हो, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, ओवर चिंता कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट गो करें, थोड़ी सी चीज़ों को आप लूज़ छोड़ दें, देखें क्या होता है, थोड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना कुदरत पे भरोसा करके देखें, शायद कुदरत आपका ख्याल आपसे ज़्यादा अच्छे से रखेगी। मे बी दिस इज़ दी टॉप, दिस इज़ द वे यूनिवर्स वॉन्ट्स टू हेल्प यू स्कॉर्पियंस। तो थोड़ा सा जिन भी चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, चिंतित हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा करके थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करें, शांत हो जाएं, काम डाउन। जो भी अगर आपकी इच्छा है ऊपर वाले की कृपा रही तो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आप इतनी एनर्जी उस पर ना डाल दें कि आप खुद ही परेशान होने लग जाएं, आपको खुद बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लग जाए। तो अपने आप को इतनी चिंता ना दें स्कॉर्पियंस, टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आप कैसा फील कर रहे हैं फॉर दिस वीक। स्कॉर्पियंस, दिस वॉज द कार्ड फॉर यू। इसके अलावा चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज सैजिटेरियस। ओ माई गॉड, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आप बहुत सैड एंड अपसेट है दिस वीक। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस के एनर्जीज आर लाइक कम्प्लीटली डाउन, कम्प्लीटली नेगेटिव। सैजिटेरियस दिस वीक, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, अकेले रहना चाहते हैं, समय अकेले बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है उनकी लाइफ पता नहीं कब ठीक होगी, कब अच्छी होगी। तो सैजिटेरियस के मन में बहुत ज़्यादा चिंताएँ दिख रही हैं सैजिटेरियस, बट डोंट वरी सैजिटेरियस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी अब तक बीती है शायद वैसे ही आपकी ज़िंदगी आगे बीतेगी, शायद आपके साथ कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, कुछ अच्छा नहीं होगा ना, मन में बहुत ज़्यादा सोच चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सैड हैं आप सैजिटेरियस फॉर दिस वीक। जैसे कि ये लड़की कहीं ना कहीं अकेले एकदम ऐसे शांत में बैठी है सैजिटेरियस। मैं कहूँगी कि ड्यूरिंग दिस टाइम डू सम योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ताकि आपका माइंड पॉजिटिव हो सके। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, एक आपको नेगेटिव नज़रिया ही दे रहा है सिचुएशन का। सो सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव देती है, अपने ना घर पे बैठ के एक आपके नेटफ्लिक्स पे टीवी पे मूवी देखना ही क्यों ना हो वही कर लीजिए, कोई अच्छी मूवी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बट थोड़ी सी मूवी देख लीजिए, दोस्तों को मिल लीजिए, कोई भी चीज़ कीजिए जो आपको 2 घंटे 1 घंटे के लिए पॉजिटिविटी देती हो, ज़रूर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं सैजिटेरियस आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन देयर लाइफ, थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगेन सैजिटेरियस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कैसा फील कर रहे हैं। जो मुझे कार्ड से पता चल रहा है सैजिटेरियस, कि कहीं ना कहीं आपको किसी बात की बहुत चिंता है, आप मे बी रात रात भर सो नहीं रहे हैं, रात में उठ के उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, एंड हम कहते हैं ना कोई लंबी परेशानी आपके साथ अटकी हुई है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं बट सॉल्व नहीं कर पा रहे सैजिटेरियस। सो ये सारी चिंता आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, यू आर वरीड सैजिटेरियस। बट सैजिटेरियस एंड माय डियर सैजिटेरियस, मैं आपसे सजेस्ट करूँगी, बी काम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ,
ये वीक आपके लिए स्ट्रेसफुल है, बट आगे के आने वाले वीक में जो पॉजिटिविटी, जो सपोर्ट, जो विल पावर, बिकॉज सैजिटेरियस यू आर अ फायर साइन, जितनी विल पावर आपकी हो उतनी किसी की नहीं होती है, यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, बट सैजिटेरियस ये वीक में बहुत ज़्यादा लो एंड डल फील करते हुए दिख रहे हैं. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, इट्स ओके. अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल लव, किसी से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, टेक दैट हीलिंग विद यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. इसके अलावा अगर आप अकेले भी रहना चाहते हैं, मेडिटेशन, योगा विल बी हेल्पफुल. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ये इमोशन से गो थ्रू करके इसे ऊपर आकर आप पॉजिटिविटी फील करने की कोशिश करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सैजिटेरियस. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सैजिटेरियस, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि जो ये कार्ड्स की एनर्जीज इंडिकेट हो रही है फॉर दिस वीक, सो हाउ आर यू फीलिंग सैजिटेरियस, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया द वर्ल्ड का कार्ड. सो कैप्रिकॉर्न्स, फॉर दिस वीक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है. जिस भी चीज़ का इंतज़ार था उसमें कोई और पॉजिटिव खबर या पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है. कोई टास्क अगर आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे कि इसका रिज़ल्ट आएगा तो कैसा आएगा, तो ये वीक में उस चीज़ का रिज़ल्ट पॉजिटिव, शुभ एंड अच्छा आता हुआ दिख रहा है. सो दिस इज़ अ गुड कार्ड. सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहीं ना कहीं ये वीक एक प्लेस चेंज का भी हो सकता है, ट्रैवल का भी हो सकता है, कहीं सिटी या कंट्री चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी हो सकता है. सो अच्छा कार्ड है. सो फॉर कैप्रिकॉर्न्स द वर्ल्ड का कार्ड इज़ अ गुड कार्ड, पॉजिटिव साइन है ये वीक में. तो काम को लेकर ये वीक काफ़ी ज़्यादा शुभ एंड पॉजिटिव एंड हेल्पफुल है. सो कैप्रिकॉर्न्स गो अहेड, दिस इज़ अ वेरी गुड वीक फॉर यू. इमोशनल हैप्पीनेस भी रहेगी, बट मोर देन इमोशनल हैप्पीनेस में कहना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न्स कि आप कहीं ना अंदर से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी. ज़रूरी नहीं कि कोई और पर्सन आपको खुश करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी. कैप्रिकॉर्न्स ये वीक अंदर से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड विजडम एंड क्लैरिटी महसूस करेंगे. सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहीं ना कहीं एक शुभ कार्ड है, एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है कैप्रिकॉर्न्स के लिए. जैसे हम कहते हैं ना कि कैप्रिकॉर्न्स को ये वीक में मे बी, नाउ यू लेट मी नो कैप्रिकॉर्न्स आपकी कैसी फीलिंग्स है, बट कैप्रिकॉर्न्स मे बी ये वीक फील करेंगे, अब मुझे लग रहा है कि शायद ये वीक या आने वाला समय मेरे लिए शुभ है, पॉजिटिव है, मैं जो करने जा रहा हूँ मैं सही पाथ पे हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है. दैट पॉजिटिव गट फीलिंग उनको आएगी ये वीक में. सो इट इज़ अ गुड कार्ड. सो फॉर कैप्रिकॉर्न दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ पॉजिटिव वीक. कीप योर पॉजिटिविटी अप, ये कार्ड आपके लिए शुभ है फॉर दिस वीक. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है एक्वेरियस. एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द सिक्स ऑफ कप्स. एक्वेरियस पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, किसी पास्ट में किसी को मिस कर रहे हैं या पास्ट की कुछ मेमोरीज को मिस कर रहे हैं, या शायद हो सकता है पास्ट में उन्होंने जो डिसीजन लिए वो शायद उन्होंने सही लिए या गलत लिए, या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे या नहीं. तो पास्ट की बीती हुई ज़िंदगी को याद कर रहे हैं, उनके डिसीजन जो उन्होंने लिए थे पास्ट में क्या वो सही थे या गलत थे, ऐसी कुछ उनकी फीलिंग्स या सोच चल रही है. इसके अलावा एक्वेरियस में कहूँगी मे बी इन दिस वीक कोई आपके प्लान्स बन सकते हैं कि आप अपने कोई पुराने दोस्तों को मिलें, कोई पुराने पर्सन को मिलें, किसी ओल्ड पर्सन से आप मिल सकते हैं, कोई मिलना जुलना हो सकता है, वो एनर्जीज हैं. बट उसके अलावा अगर मुझे कोई कीवर्ड्स देने हों एक्वेरियस, तो मैं कहूँगी मे बी मिसिंग समवन फ्रॉम पास्ट, किसी पास्ट में से आप किसी इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं दोबारा, बट मे बी अभी की जैसी परिस्थितियाँ आप उनसे मिल नहीं सकते हैं या बात नहीं कर सकते, उनकी याद आपको आ रही है. सेकेंड चीज़ मैं कहूँगी मे बी ये वीक में आपके कोई प्लान्स बन सकते हैं टू मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स, या किसी ओल्ड के साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं, कोई पुराने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है. इसके अलावा एक्वेरियस ये वीक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इमोशनल है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल फील कर सकते हैं. काम को लेकर मैं कहूँगी ये वीक एक नॉर्मल सा वीक है, जैसा आपका रेगुलर रूटीन होती है वैसे बीत जाएगा, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे. इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा आपकी फीलिंग्स, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप टर्मोइल फील करते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस वीक एक्वेरियस. तो जो भी आपके मन में बात है ज़रूर किसी और से शेयर कीजिएगा एक्वेरियस, जो आपको स्टेबिलिटी दें. रेस्ट ये वीक कहीं ना कहीं आप किसी पास्ट की चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हैं, ये आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं एक्वेरियस. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कैसा फील कर रहे हैं फॉर दिस वीक. सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसिस. पाइसिस राशि वालों के लिए कार्ड आया था नाइन ऑफ पेंटिकल्स, गुड कार्ड. सो ऑल द पाइसिस, मैं कहूँगी कि ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं जो भी आप पैसे को लेकर, काम को लेकर चिंतित है, उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब,
न्यू प्रमोशन, बिजनेस में कोई पॉजिटिविटी या कोई पैसे अटके हों वो क्लियर आउट हो जाना, सो पैसे को लेकर ये एक शुभ वीक है या कोई पॉजिटिव आइडिया आ जाना. सो कॉन्फिडेंस, विल पावर, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है फॉर दिस वीक. इसके अलावा रोमांटिकली या रिलेशनशिप्स को लेकर मैं कहूँगी थोड़ी स्टेबिलिटी है, बट मैं इसे एक रोमांटिक या रिलेशनशिप वीक नहीं कहूँगी क्योंकि आपका सारा ध्यान पैसे को लेकर है, काम को लेकर है, अपने पैशन, अपने ड्रीम्स को लेकर है. सो ऑल ओवर द वीक की एनर्जी आपके काम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, मनी को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है ऑल ओवर, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी महसूस हो सकती है. नो डाउट स्टेबिलिटी महसूस करते हुए दिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिविटी. लेकिन अगर मुझे कहना हो कि ये वीक की आपकी एनर्जी कहाँ पर ज़्यादा फोकस्ड है, मे बी इन वर्क एंड फाइनेंसिस में या रिलेशनशिप्स में, तो वर्क एंड फाइनेंसिस ज़्यादा फोकस है इस वीक का. तो मैं कहूँगी खूब मेहनत करें एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उस पर ध्यान ज़्यादा दें. ये वीक आपके लिए पैसे को लेकर एंड काम को लेकर बहुत लकी एंड शुभ है. सो फोकस योर एनर्जीज इन दोज डायरेक्शंस, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. रेस्ट, सारी ज़ोडियक साइंस कंप्लीट हो चुकी हैं. आई होप यू हैव लाइक दिस वीक्स रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आपको ये रीडिंग कैसी लगी है. एंड अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.